तो कुमकुम सहगल ने मुझे बोला, जो महेश भट्ट की बहन है, उन्होंने बोला कि महेश और मुकेश हैज ऑलवेज बीन इनटू ड्रग्स, वो बचपन से कर रहे हैं ड्रग्स और अल्कोहल। तो मैम आपका मतलब है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है? देखिए मेरा इंटरेक्शन सुशांत सिंह के साथ नहीं हुआ है, मैं कह रही हूँ कि मुकेश भट्ट ने आकर बाहर जो स्टेटमेंट दिया था कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में था, तो सुशांत सिंह डिप्रेस क्यों था, क्या वजह थी उसकी? क्योंकि ये लोग ऐसा कर देते हैं, ऐसा सर्कमस्टांसेस पैदा कर देते हैं, आपको इतना कॉर्नर और आइसोलेट करते हैं, आपको इतना तोड़ देते हैं कि आदमी मजबूर हो जाता है सुसाइड करने पे, क्योंकि आदमी के पास कुछ बचता ही नहीं है, काम छीन लेते हैं, मेंटल प्रेशर करते हैं, फिजिकली आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं, क्या करेगा आदमी? अथॉरिटी सुन नहीं रही है, क्या करेगा, किसके पास जाएगा, क्या बोलेगा, कोई नहीं सुन रहा है। क्या आपने महेश भट्ट, मुकेश भट्ट को कभी ड्रग्स लेते देखा है? जी मैंने महेश भट्ट जो मेरे पति है उनको मेरे घर से ड्रग्स लेके जाते हुए देखा है, और मैंने उनको महेश भट्ट को ये बोलते हुए भी देखा है कि मांग रही है, चरस मांग रही है, और महेश भट्ट ने ये बताया है कि सुमित जो भी चाहिए इनको दे दे, मेरे तक बात नहीं आनी चाहिए, जो भी चाहिए दे दे। तो जो भी सप्लाई करते हैं वो सुमित सबरवाल करते हैं, और आपको सारी डिटेल्स चाहिए, आपको ये जानना है कि महेश भट्ट और मुकेश भट्ट करते हैं ये बात। जब मैंने कुमकुम सहगल को बताई थी कि मेरा पति ये ड्रग्स करता है, तो कुमकुम सहगल ने मुझे बोला, जो महेश भट्ट की बहन है, उन्होंने बोला कि महेश और मुकेश हैज़ ऑलवेज बीन इन टू ड्रग्स, वो बचपन से कर रहे हैं ड्रग्स और अल्कोहल, वो हैविली इन टू ड्रग्स और अल्कोहल है, तो तुम इन सब पे ध्यान मत दो, तुम अपनी शॉपिंग पर ध्यान दो। क्या आलिया भट्ट भी ड्रग्स लेती है? जी आलिया भट्ट के साथ मेरा कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जितने साल मैं कंपनी में उनके साथ काम कर रही थी, आलिया भट्ट ने उनके साथ विशेष फिल्म के साथ कोई भी फिल्म नहीं की। मेरे वहाँ चले जाने के बाद तो आप बोलेंगे परिवार के बहुत नजदीक हूँ मैं जी, इस बारे में हाँ मेरी उनसे इंटरेक्शन नहीं हुई, हम लोग सब अलग अलग रहते हैं। जी अगर आपको डिफेमेशन की इतनी प्रॉब्लम है तो आप लोग ड्रग्स क्यों करते हो? ड्रग्स मत करो ना, आपको डिफेम नहीं होना है तो आप ड्रग्स मत कीजिए। मैंने जो देखा मैंने वो बोला। कंगना ने भी यही सारे सवाल उठाए थे अपने इंटरव्यू में, और कंगना ने बोले ड्रग्स होता है, आपको क्या लगता है? मीडिया ने भी सवाल उठाया, मीडिया के ऊपर भी डिफेमेशन केस फाइल किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ड्रग्स का मामला पूरा बॉलीवुड में होता है, क्या है मतलब, एक आखिरी बार में आपसे सवाल पूछूंगी। मैंने ड्रग्स होते हुए देखा है बॉलीवुड में, ड्रग्स होता है मेरे हिसाब से, और जो कंगना जी ने बताया है वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने विटनेस किया है, वो उनका एक्सपीरियंस है, मैं आपको सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बता सकती हूँ। जी बिल्कुल, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ये सबसे छुटकारा चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सारी अथॉरिटीज़ इनको इन्वेस्टिगेट करे, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ड्रग्स है, और मैं आई विटनेस हूँ इस बारे में। माय मेन मोटिव इज़ टू गेट जस्टिस, इन्होंने मुझे परेशान कर दिया है। आपने कहा सुसाइड कर देंगे, आपका सुसाइड आ जाएगा, जी बिल्कुल, क्यों लग रहा है आपको? जी देखिए अगर आप जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो मुकेश भट्ट आकर उन्होंने ये बात कहा था कि सुशांत सिंह पागल है, डिप्रेशन में है, क्या आप जानते हैं? यहाँ जी ये बात कहा था, तो वो सुशांत सिंह पागल और डिप्रेशन में नहीं था, ये लोग करते हैं, ये महेश भट्ट मुकेश भट्ट ये लोग पागल बना देते हैं आपको, यही वो मेरे साथ कर रहे हैं ताकि मैं सुसाइड कर लूँ।